अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमने m की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों एक कांस्टेंट नंबर लैम्डा के इक्वल हैं। तो सबसे पहले हम गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं विच इज 2m प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 7m माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3m माइनस 10 इक्वल्स टू जीरो। तो सबसे पहले यहां पर हम सम ऑफ रूट्स का फार्मूला लिखते हैं। सम ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब गिवन है कि सम ऑफ रूट्स लैम्डा के इक्वल है, तो यहां पर हम लैम्डा लिख लेते हैं माइनस बी की जगह बी की वैल्यू विच इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स 7m माइनस 5 ओवर में ए है ए की जगह कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज 2m प्लस 3। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे लेते हैं। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है c ओवर a। तो क्वेश्चन में गिवन था कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों लैम्डा के इक्वल हैं, तो यहां पर लैम्डा लिख लेते हैं इज इक्वल टू c की जगह c की वैल्यू 3m माइनस 10 है ओवर में a की जगह a की वैल्यू विच इज 2m प्लस 3। इस इक्वेशन को 2 का नाम देते हैं। अब देखें इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड भी लैम्डा है, इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड भी लैम्डा है, तो यहां पर हम लिखते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों के राइट साइड को हम इक्वल लिख लेते हैं। 1 की राइट साइड है माइनस 7m माइनस 5 ओवर में 2m प्लस 3। इसी तरह इसकी राइट साइड है 3m माइनस 10 ओवर में 2m प्लस 3। दोनों के डिनोमिनेटर में 2m प्लस 3 है, तो 2m प्लस 3 2m प्लस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पर माइनस हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस 7m माइनस और माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू 3m माइनस 10। m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सिमिलर टर्म्स इक्वालिटी के एक साइड पर शिफ्ट करते हैं, तो 3m इधर आके माइनस 3m माइनस 10, 5 उधर जाके माइनस 5, तो ये माइनस 10m बनेगा इधर माइनस का 15। m फाइंड आउट करना है, माइनस 15 ओवर माइनस 10 आ जाएगा, तो माइनस और माइनस कैंसिल, 3 5 टाइम 15 और 2 5 टाइम 10, तो m की वैल्यू आ गई 3/2। इसके नेक्स्ट पार्ट में भी हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को लैम्डा के इक्वल रख के m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।